रूस और यूक्रेन के बीच करीब एक महीने से जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिस वजह से अब इन शहरों में लोग बिजली पानी आदि के लिए भी तरस रहे हैं। खास बात यह है कि एक महीने की लंबी जंग के बाद भी रूस की ओर से हमले जारी हैं। वहीं यूक्रेन भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है और दावा कर रहा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल अटैक भी कर सकता है, यानी केमिकल हथियारों के जरिए हमला बोल सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर केमिकल अटैक क्या होता है और अभी तक किसी देश ने केमिकल अटैक किया है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जानिए क्या होता है केमिकल अटैक। केमिकल अटैक एक तरह का ऐसा हमला है जिसमें केमिकल बम या हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। इन बम में सीधे अटैक न होने के बजाय अलग अलग रासायनिक के जरिए लोगों पर असर डाला जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। केमिकल बम की आधिकारिक परिभाषा की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन की ओर से बताया गया है कि वो हथियार जिनमें रसायन और जहरीले कणों के जरिए जानबूझकर लोगों को मारा या किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है। इन जहरीले रसायनों में उन रसायनों को शामिल किया गया है जिनके जरिए अलग अलग रिएक्शन के जरिए लोगों को मारा जाता है या उन्हें स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे में इन हथियारों का इस्तेमाल जब लोगों के लिए किया जाता है तो उसे केमिकल अटैक कहते हैं। इसमें हो सकता है कि लोगों के बीच कुछ रसायन छोड़े जाएं जिनसे उन्हें नुकसान हो। अब आप जानिए कि क्या पहले कभी केमिकल अटैक हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान भी किया गया है। इन बमों में मस्टर्ड गैस, क्लोरीन आदि थे जिनकी वजह से काफी दर्दनाक और घातक परिणाम आए। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोगों को गैसिंग रूम के जरिए मार दिया गया। बताया जाता है कि रूस पर भी 2018 में सर्गेई स्क्रिपल को निशाना बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करने का आरोप है। अब आपको बताते हैं कि क्या केमिकल अटैक करना गैर कानूनी है। आपको बता दें कि साल 1925 में वॉरफेयर में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। इस दौरान 193 देशों ने जेनेवा प्रोटोकॉल पर साइन किए जिसमें केमिकल हथियारों पर बैन लगाने की बात कही गई थी। हालांकि फिर भी कुछ देशों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। बहरहाल आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।